अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मैं बहुत बहुत माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी की तरफ से, अपने स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना देने आया हूं और बहुत आपके जीवन में उन्नति हो, समृद्धि हो, आप यशस्वी हो, मनस्वी हो, इसकी परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं। और आज हम सभी लोग कल का भविष्य, उन्नत और प्रगतिशील झारखंड कैसे हो, हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कैसे सबल हो, इसके लिए हम सारे लोग काफी जागरूक हैं। इसके लिए भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। मंच पे बैठे हमारे भाई और राज्य के माननीय मंत्री आदरणीय मिथिलेश ठाकुर जी, हमारी सांसद महुआ माझी जी, सांसद समीर उरांव साहब, माननीय विधायक समरी लाल जी, हमारे स्वास्थ्य विभाग के कप्तान, राज्य के अपर मुख्य सचिव अरुण सिंह जी, पर्यटन सचिव भाई मनोज जी, हमारे एनएचएम डायरेक्टर भुवनेश जी, रांची के उपायुक्त राजीव कुमार जी, किशोर जी, और यहां उपस्थित सभी सुसंस्कृत विचार के प्रभुजनों, प्रेस मीडिया के सभी बंधुओं, आपके माध्यम से जनता के बीच में एक अच्छा संवाद जाता है, इसके लिए भी मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि इस तरह के कार्यक्रमों में आप की उपस्थिति और आपकी प्रासंगिकताएं ज्यादा हैं, इसलिए इसके प्रचार प्रसार में आप विशेष ध्यान भी दें। आज का दिन काफी मंगलमय दिन है। मंगलमय दिन इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि दुनिया का सबसे लंबा दिन जो है 21 जून को दुनिया का सबसे लंबा दिन माना जाता है, और इसी महत्ता को देखते हुए जीवन कैसे दीर्घायु हो, जीवन कैसे लंबा हो, इसके लिए इस दिन की महत्ता है। और आज परमपिता परमेश्वर ने ये मंगलमय दिन को मनोरम दिन में भी परिणित किया है। ऐसा लगता है कि आज का दिन न सिर्फ मंगलमय है बल्कि मनोरम भी है, और मैं समझता हूं कि जब मंगलमय हो और मनोरम हो तो निश्चित तौर पर हम जिस चीज के लिए सोचते हैं, समझते हैं, करना चाहते हैं, वो निश्चित तौर पर हम उसके लिए आगे बढ़ते हैं। पानी, पानी तो आना और पानी को गिरना बहुत ही जरूरी है, और यदि बहुत सारे लोग सन बाथ लेते हैं, हम जो है सीधे सीधे रेन बाथ ले रहे हैं। रेन बाथ में तो लोग, मैंने देखा है कि बड़े बड़े होटलों में डांस होता है, लेकिन यहाँ जब पानी गिर रहा है तो थोड़ा सा लोगों में कौतूहल है। मुझे लगता है कि वो एक, कभी कभी हम लोग शेर कहते हैं कि बादलों ने मिलकर ना जाने क्या साजिश की, बादलों ने मिलकर ना जाने क्या साजिश की, मेरा घर मिट्टी का था, मेरे घर में बारिश की। इसलिए साथियों, दोस्तों, ये पानी से क्या आप और हम घबराने वाले लोग हैं? ये पानी कुछ हमारा बिगाड़ पाएगा, और बिना पानी के तो कहते हैं जल ही जीवन है, तो मछली भी नहीं रह सकती और हम भी नहीं रह सकते। इसलिए इस पानी का मजा लीजिए, और जो मैंने सर पर वो तैन के रखा है, मैं समझता हूं वो जोगी नहीं है। आप जो करने आए हैं उसको हटा दीजिए और बता दीजिए कि हम लोग झारखंड के लोग हैं,
और जल जंगल जमीन ही हमारी पहचान है और यही माटी में हम जो है भगवान बिरसा मुंडा के वंशज है। इसलिए साथियों दोस्तों, आज जो योग का कार्यक्रम है, ये योग का कार्यक्रम कोई ऐसा नया नहीं है। हमारे रग रग में, हमारी सभ्यता में, हमारे संस्कार में, हमारी संस्कृति में ये निहित है। और जब पूरी दुनिया में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा और गुट निरपेक्षता को आत्मसात किया है, तो निश्चित तौर पर शरीर के मन के विकार को दूर करने के लिए, बल्कि मैं ये कहूंगा कि कोविड के बाद जो है बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके काफी दीर्घकालीन परिणाम पड़ रहे हैं, और विशेष करके इसमें हृदय गति वगैरह और भी बहुत सारी बीमारियां हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये योग के माध्यम से हम आर्थराइटिस है, बहुत सारी बीमारियां हैं, हृदय घात वगैरह बहुत सारी बीमारियों को, चूंकि ये सिर्फ शरीर को बलिष्ठ नहीं करता बल्कि हमारे मन को भी बलिष्ठ करता है, हमारे अंदर में प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाने का काम करता है। इसलिए मैं समझता हूं कि आज का दिन बहुत लंबे तकरीर और भाषण का नहीं है, भाषण तो एक सवा घंटे लगातार बोला जा सकता है, लेकिन मैं आपके उज्जवल भविष्य की, दीर्घायु जीवन की और आपके समृद्ध जीवन की, स्वस्थ झारखंड, समृद्ध झारखंड जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, हम सब मिलकर साकार करेंगे और खुद को मजबूत बनाएंगे, खुद को निरोगी बनाएंगे। योग मतलब निरोग, और हम इसी नारे के साथ आगे बढ़ेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत जोहार, प्रणाम, धन्यवाद, शुक्रिया।